परेशान हो गया मैं इस लैपटॉप से यार, दुखी कर दिया इसने। कभी क्या प्रॉब्लम, कभी क्या प्रॉब्लम, अब ये कीबोर्ड में प्रॉब्लम जनरेट हो गई है, इसमें ऑटोमेटिक की प्रेस होने लगी है। अब क्या करूं, पहले इसके हार्ड डिस्क चेंज करवाई थी, फिर रैम चेंज करवाई, फिर बैटरी चेंज कराई, अभी कीबोर्ड खराब हो गया। क्या करूं, परेशान हो गया हूं मैं तो, सर नोट लिया मैंने तो, दुखी हो गया मैं इससे। क्या करूं, इसको फेंक दूं उठा के या दूसरा कीबोर्ड लिया हूं, क्या करूं। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने भी आती होगी, आप परेशान हो चुके होंगे इस, कभी क्या लैपटॉप खराब होता ही रहता है। जब लैपटॉप पुराना हो जाता है और जब आप उसको काम में नहीं लेते तो ये प्रॉब्लम जनरेट होने लग जाती है, और भी ज़्यादा होने लग जाती है। मतलब कि अगर आप लैपटॉप को कम काम में लोगे तो ये ऑटोमेटिक की प्रेसिंग वाली प्रॉब्लम भी चालू हो जाती है। जैसे मैंने में एक या दो बार आपने चलाया तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि अंदर से जाम हो जाती है और ये प्रॉब्लम जनरेट होना शुरू हो जाती है। इसके लिए सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप चलाते रहो, मतलब लैपटॉप को महीने में कम से कम 5-7 बार तो यूज में लो ही लो उसको। मतलब 2-3 दिन में एक बार ऑन कर लो, थोड़ा बहुत वर्क कर लो उसके ऊपर, ताकि बैटरी भी खराब नहीं हो, कीबोर्ड भी खराब नहीं हो, और लैपटॉप अगर चलता रहेगा तो ठीक रहेगा। अगर उसको यूज में नहीं लोगे तो वो ज़्यादा खराब होगा, तो इसलिए लैपटॉप को यूज में लेते रहना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं कि ऑटोमेटिक जो की प्रेस होती है, अगर आपकी पर्टिकुलर कोई एक की खराब हो गई है तो उसको किस तरीके से डिसेबल करोगे। आप परेशान हो जाते हो जब वो की बार बार प्रेस होने लगती है, तो उस पर्टिकुलर एक की को आप डिसेबल कर सकते हो, उसकी जगह रीमैपिंग कर सकते हो। रीमैपिंग मतलब कि उस की को, जैसे ए फॉर एप्पल वाली की है वो खराब हो चुकी है, तो पहले उसको अपन डिसेबल करेंगे, और डिसेबल करने के बाद अगर जो आपकी जो एक्स्ट्रा की है, जैसे कि एंड, होम, इंसर्ट, F10, F12, जो कि काम में नहीं आती है, उनमें से कोई सी भी एक की उस की जगह रीमैप कर देंगे, तो क्या होगा कि आप अगर होम को एक ही जगह रीमैप करोगे तो होम की दबाओगे तो ए फॉर एप्पल टाइप हो जाएगा। इस तरीके से वो सेटिंग किस तरीके से होती है आज इस वीडियो में मैं वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को छोड़ना मत और स्किप मत करना, उसको अच्छी तरह समझना वो किस तरीके से होता है। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पे और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि आपका कौन सा की ऑटोमेटिक प्रेस हो रहा है, या तो आपको पता होगा कि कौन सा की ऑटोमेटिक प्रेस हो रहा है या किस की में प्रॉब्लम है, या फिर अगर पता नहीं है तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, तो सबसे पहले उसको चेक कर लेना है और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन करना है अपन को। सबसे पहले अपन यहाँ पे टाइप करेंगे कीबोर्ड टेस्टर, ये लिख के एंटर मार रहा हूं मैं। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब पे ही कीबोर्ड टेस्टर की वेबसाइट्स ओपन हो चुकी है, ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट कर लेंगे अपन। मैं सेकेंड वाली वेबसाइट पे ओपन कर रहा हूँ उसको, न्यू टेम में ये ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर दोस्तों देखिए ये कीबोर्ड बना हुआ आ गया है। अगर आपका कोई सा भी की ऑटोमेटिक प्रेस हो रहा है, जैसे मान लो ये की ऑटोमेटिक प्रेस हो रहा है, तो ये बार बार अपने आप प्रेस होगा तो ये इसमें शो कर जाएगा कि कौन सा की ऑटोमेटिक प्रेस हो रहा है, और ये यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरीके से। AS ये दो की प्रेस हो रहे हैं तो ये शो हो रहा है। इस तरीके से आप कीबोर्ड मैं चेक कर सकते हो कि कौन सा की ऑटोमेटिक प्रेस हो रहा है, ठीक है। ये 90% लोगों को तो पता ही रहता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तो कौन सा की ऑटोमेटिक प्रेस हो रहा है और किस की से उनको समस्या आ रही है। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो उसके लिए अपन चलते हैं वापस से गूगल पे और यहाँ पे टाइप करते हैं KEYTWEAK की ट्रिक, एंटर, और ये सॉफ्टवेयर अपन को डाउनलोड करना है। तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इस पे ही अपन क्लिक कर देंगे, ये ओपन हो गया है। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, यहाँ पे फ्री डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे फ्री डाउनलोड, इस पे क्लिक कर देना है, और ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसको रन करा के इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके देन नेक्स्ट रन, देन इसके बाद आई एग्री इंस्टॉल एंड देन क्लोज। ये इंस्टॉल हो चुका है, इसका कोई शॉर्टकट बन के नहीं आता, अपन को यहीं पे सर्च करना है KEY लिखोगे जिसमें ये आ जाएगा यहाँ पे, तो की क्विक के नाम से इस पे डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक, ये ओपन हो जाएगा। ये विंडो ओपन हो चुकी है दोस्तों, अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले जैसे मेरा A4 Apple वाला की प्रॉब्लम कर रहा है, तो A4 Apple आप जैसे लेके जाओगे तो ये यहाँ पे A लिखा हुआ आ गया, जैसे वो सेलेक्ट होगा A लिखा हुआ आ गया, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया सेलेक्ट कर दिया। सबसे पहले A4 Apple को मुझे करना है डिसेबल, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डिसेबल की पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा A4 Apple की जो है वो डिसेबल हो चुका है। अब डिसेबल होने के बाद अब मुझे दोस्तों इस की को रीमैप करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस A4 Apple वाली की जगह मुझे कोई दूसरी की लेनी पड़ेगी जिस की को दबाने से A4 Apple टाइप हो। मतलब ऊपर बहुत सारी अपनी की जो होती है जो वेस्टेज होती है F1 से लेके F12 तक, इसके अलावा पेज अप पेज डाउन या फिर होम एंड स्क्रोल लॉक, बहुत सारी इंसर्ट डिलीट, डिलीट तो काम ज्यादा आती है, इंसर्ट हुआ होम एंड पेज अप पेज डाउन, ये बहुत सारी ऐसी की हैं जो कि बहुत कम काम आती है, इनको आप रीमैप के लिए यूज में ले सकते हो। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, मैं इसको ये होम वाली की के साथ रीमैप कर देता हूँ, तो इसके लिए मैं इस होम वाली की को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया और देन इसके बाद यहाँ पे चूज न्यू रीमैपिंग इस पर क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे A4 Apple सेलेक्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखना दोस्तों, यही कंफ्यूजन रह जाता है कि किस तरीके से रीमैप होगा। मैंने सबसे पहले A4 Apple को डिसेबल किया है, फिर उसके बाद जिस की को रीमैप करना है, जिस की को प्रेस करने से मुझे A4 Apple चाहिए उस की को सेलेक्ट करना है, उस की को सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे वो की सेलेक्ट कर ली जो मैंने डिसेबल कर रखा है, वो की सेलेक्ट की है यहाँ पे, और इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रीमैप की पे क्लिक, ये सेटिंग हो गई, देन अप्लाई। दोस्तों अब ये मांग रहा है रीस्टार्ट, अगर मैं इसके यस पे क्लिक करता हूँ तो सिस्टम बंद होगा, बंद होने के बाद वापस चलेगा, और चलने के बाद ये मेरा A4 Apple डिसेबल हो चुका है, और फिर उसके बाद मैं होम का की दबाऊंगा तो A4 Apple टाइप होगा। दोस्तों मैं यस पे क्लिक कर रहा हूँ, सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, सिस्टम ऑन हो चुका है। दोस्तों अब अपन सबसे पहले यहाँ पे वर्ड खोल लेते हैं, ये वर्ड मैं ओपन कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये देखो सिस्टम में मैं A टाइप कर रहा हूँ, ये A की है और ये डिसेबल है, ये कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, देखो बाकी और की टाइप कर रहा हूँ तो सब टाइप हो रहा है, लेकिन मैं A टाइप कर रहा हूँ तो कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो बाकी सब टाइप हो रहा है। अगर दोस्तों मैं उसको ये होम की जो मैंने मैपिंग करी है, ये मेरे होम की, इसको करता हूँ तो ये देखो A टाइप हो रहा है, देखो दिख रहा दोस्तों होम पे A, A4 Apple, और मैं जो ये A4 Apple दबा रहा हूँ तो इससे कुछ टाइप नहीं हो रहा, ये एंटर कर रहा हूँ, ये देखो ये डिसेबल है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो, कि कितनी भी हो, एक हो दो हो तीन हो, आप रीमैपिंग कर सकते हो, रीमैप करके और आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। दोस्तों जो आपने सेटिंग करी है, अगर आपको वो वापस से डिफॉल्ट सेटिंग करना है, अगर उसको वापस से कीबोर्ड की जो की डिसेबल करी है उसको इनेबल करना है, और जो पुरानी कीबोर्ड की जो सेटिंग है वही एज इट इज करनी है, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है दोस्तों, यहाँ पे रीस्टोर ओल्ड डिफॉल्ट्स पे क्लिक करोगे तो सारी सेटिंग वापस से डिफॉल्ट हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी सेटिंग डिफॉल्ट हो जाएगी। और उसके अलावा अगर पर्टिकुलर एक की को आपको इनेबल करना है, जैसे मैंने A4 Apple वाला
जो था डिसेबल किया था, तो इनेबल का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो उसको इनेबल करोगे तो वो की केवल सिंगल की इनेबल हो जाएगी, और जो आपने ये रीमैपिंग करी है तो उसको भी आप रिस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक करके और सिंगल की को भी रिस्टोर डिफॉल्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो आराम से। मैं टोटली ही रिस्टोर डिफॉल्ट कर रहा हूँ, देन यस करूंगा, सिस्टम होगा रिस्टार्ट। रिस्टार्ट होने के बाद सेटिंग वापस से डिफॉल्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।